नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान ज्योग्राफी के जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है उन पर। यानी इस सीरीज़ में हम लोग बात करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी के जो 2022-23 की RPSC की परीक्षाएं हैं उनमें जो राजस्थान ज्योग्राफी के प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को, साथ ही साथ हम उनका पूरा 360 डिग्री पर एनालिसिस करेंगे कि आगे उनसे और कैसे कैसे प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो हो सकता है कि आपके आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन आपको एज इट इज़ वैसे के वैसे आपको रिपीट मिले। और ये जो सीरीज़ है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि इससे आप लोग अपनी तैयारी का आकलन भी कर सकते हैं कि आप लोगों के पास जो कंटेंट है उस कंटेंट से आप लोग एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न जो है उनमें से कितने प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। लेकिन उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लो जिससे आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, थार महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया जाता है, यानी हमें वो ज़िला बताना है जिस पर थार महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो हमारा थार महोत्सव का जो आयोजन किया जाता है वो किया जाता है बाड़मेर ज़िले में। कौन से ज़िले में? बाड़मेर ज़िले में। तो आपका इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाड़मेर ज़िले में। अब बाकी ऑप्शंस पे बात कर लेते हैं। यदि हम बात करें जैसलमेर की, तो जैसलमेर में आयोजन होता है मरू महोत्सव का। मरू महोत्सव इसका आयोजन होता है कहाँ पे? जैसलमेर में। फिर यदि हम लोग बात करें बीकानेर की, तो बीकानेर में आयोजन होता है किसका? ऊँट महोत्सव का। ऊँट महोत्सव। अब ये जो महोत्सव है ये राजस्थान का जो पर्यटन विभाग है, पर्यटन विभाग के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि राजस्थान में पर्यटन विभाग जो है उसकी स्थापना कब हुई, यानी कौन से वर्ष में राजस्थान का जो पर्यटन विभाग है उसकी स्थापना हुई है। कमेंट बॉक्स में फटाफट से आंसर कीजिए। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर दो, मेजा बांध किस नदी पर स्थित है। अब इसमें पूछा गया है कि आपको नदी का नाम बताना है जिस नदी के ऊपर कौन सा बांध है, मेजा बांध है। हो सकता है कि आगे के एग्ज़ाम में आप लोगों से पूछ ले कि भाई मेजा बांध जो है वो कौन से ज़िले में, तब हमारा आंसर होगा कि मेजा बांध जो है वो भीलवाड़ा ज़िले में स्थित है। भीलवाड़ा ज़िले में कौन सी नदी पर, तब हम लोग आंसर कर रहे होंगे कोठारी नदी पर, यानी कोठारी नदी के किनारे जो बांध, कोठारी नदी जो है उस पर जो बांध स्थित है उसका नाम क्या है? भीलवाड़ा। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि कोठारी नदी जो है इसके किनारे पर कौन सी सभ्यता है, कोठारी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता स्थित है, आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। फिर अन्य नदियों की यदि हम बात करें, तो सबसे पहले और राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदी जिसका नाम है चंबल नदी, चंबल नदी पर कुल चार बांध बने हुए हैं। कुल कितने बांध बने हुए हैं, तब हम लोगों का आंसर होता है चार बांध बने हुए। इन चार बांध में से एक बांध आपका बना हुआ MP में, यानी पहला जो बांध है वो बना हुआ MP में और उसका नाम है गांधी सागर। कौन सा बांध, तब हमारा आंसर होता है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध कहाँ पर बना हुआ है? MP में। दूसरा बांध राजस्थान में बना हुआ है और उसका नाम है राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर, ये जो बांध बना हुआ है ये आपका रावतबाटा चित्तौड़ में बना हुआ है, यानी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ ज़िले में बना हुआ है। तीसरे बांध की यदि हम लोग बात करें, तो इस पर तीसरा जो बांध है उसका नाम है जवाहर सागर। जवाहर सागर बांध, ये जो जवाहर सागर बांध है ये आपका कोटा और बूंदी की सीमा पर बना हुआ है, यानी कोटा और बूंदी की सीमा पर बना हुआ है। कौन सा बांध? जवाहर सागर। और चौथा जो बांध है उसका नाम है कोटा बैराज। कोटा बैराज। अब देखो यहाँ से और कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। यदि हम बात करें कि राजस्थान में चंबल नदी पर कितने बांध हैं, तब हमारा आंसर होगा तीन बांध। कौन कौन से? राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। यदि बात की जाए चंबल नदी पर कुल कितने बांध हैं, तब हम लोग आंसर कर रहे होंगे चार बांध। चार में से MP में कौन सा स्थित है, तब हमारा आंसर होगा गांधी सागर। अब यहाँ से और क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इन चार में से गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, यानी एक से लगा के तीन तक जो बांध है, इन तीनों बांधों पर विद्युत का उत्पादन होता है। इन पर आपका विद्युत का उत्पादन होता है और इन तीनों बांधों में से सबसे ज़्यादा जो विद्युत उत्पादन होता है वो राणा प्रताप सागर से होता है और यहाँ से विद्युत का जो उत्पादन होता है वो 172 मेगावाट होता है। 172 मेगावाट। फिर जवाहर सागर जो बांध है इससे विद्युत का उत्पादन होता है 99 मेगावाट। और गांधी सागर जो बांध है
इससे विद्युत का उत्पादन जो होता है वो होता है 115 मेगावाट। यानी टोटल मिला के, और चंबल परियोजना जो है, प्रश्न हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि चंबल परियोजना किन दो राज्यों की है, तब हम लोग आंसर कर रहे होंगे MP और राजस्थान की। इसमें इन दोनों राज्यों का हिस्सा 50-50% है, यानी 50% MP का और 50% किसका, राजस्थान का। अब यहाँ से टोटल विद्युत का उत्पादन होता है 386 मेगावाट। आप लोग चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं, 115, 99 और 172, इनको यदि आप ऐड करेंगे तो 5 और 9 14, 14 और 2 16 की 6, हासिल की 1, 7 और 1 8, 8 और 9 हो जाएगा 17, 17 और 1 18, हासिल की 1, और ये हो जाएगा 386 मेगावाट। अब देखो 386 मेगावाट में से 193 मेगावाट MP को मिलती है, 193 मेगावाट किसको मिलती है, राजस्थान को मिलती है। अब हमसे प्रश्न क्या क्या पूछे जा सकते हैं, सर्वाधिक विद्युत उत्पादन, तब हमारा आंसर होगा राणा प्रताप सागर। फिर चंबल पर स्थित बांधों में से सबसे ज़्यादा भराव क्षमता गांधी सागर की है, सबसे ज़्यादा भराव क्षमता किसकी है, गांधी सागर की। लेकिन यदि राजस्थान की बात करें कि राजस्थान में जो बांध स्थित है उनमें सबसे ज़्यादा भराव क्षमता किसकी है, राणा प्रताप सागर की, और भराव की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। तो ये आपके तमाम फैक्ट जो आपसे चंबल नदी के बांधों के बारे में पूछे जा सकते हैं। आगे बात करते हैं तो आपके सामने प्रश्न है पशु संपदा से, यानी राजस्थान में चोकला नस्ल जो है वो किसकी है, तो हमारा सीधा सा आंसर हो जाएगा चोकला जो नस्ल है वो किसकी है, भेड़ की। अब ये जो चोकला नस्ल है, इस चोकला नस्ल की भेड़ जो है उसको कहा जाता है छापर या शेखावाटी, यानी इसको और किस नाम से जाना जाता है, छापर या शेखावाटी के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो भेड़ है ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो ध्यान रखना ये पाई जाती है एक तो शेखावाटी वाला क्षेत्र, यानी शेखावाटी वाला क्षेत्र मतलब चूरू ज़िला, झुंझुनू ज़िला और आपका सीकर ज़िला, ये तो हो गया आपका कौन सा, शेखावाटी क्षेत्र, शेखावाटी वाले तीन ज़िले। साथ ही साथ इनके पड़ोसी, इनके पड़ोसी मतलब बीकानेर, नागौर और जयपुर, बीकानेर, नागौर और जयपुर। अब याद कैसे रखें, आपको सीधा सा याद रखना है कि शेखावाटी बिना, शेखावाटी बिना जयपुर, यानी चोकला नस्ल जो है वो शेखावाटी बिना कहाँ पाई जाती है, जयपुर में। शेखावाटी का मतलब शेखावाटी वाले तीन ज़िले, बी का मतलब बीकानेर, ना का मतलब नागौर और जयपुर का मतलब जयपुर। ये आपके ज़िले हो गए जहाँ पे कौन सी चोकला नस्ल पाई जाती है, किसकी, भेड़ की। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपका राजस्थान की जनगणना से रिलेटेड, यानी वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है, यानी हमें राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या वाला ज़िला बताना है, तब हमारा आंसर होगा जैसलमेर। राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या वाला ज़िला है कौन सा, जैसलमेर। जबकि यदि हम लोगों से पूछा जाए कि राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है, तब हम लोग आंसर दे रहे होंगे सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला है कौन सा, जयपुर। तो न्यूनतम जनसंख्या जैसलमेर की, सर्वाधिक जनसंख्या किसकी, जयपुर की। तो हमें अगले, हो सकता है कि अगले कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये पूछ ले कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है, तब हमारा आंसर होगा जयपुर, जो कि राजस्थान की क्या है, राजधानी। अब उसके बाद प्रश्न नंबर आपका 5, राजस्थान में कर्क रेखा जो है वो किस ज़िले से गुजरती है, यानी इस प्रश्न में हम लोगों को आंसर देना है कि राजस्थान में कर्क रेखा किस ज़िले से गुजरती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग कर्क रेखा की। कर्क रेखा की यदि हम बात करें तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। अब आपको 23.5 की जगह 23 डिग्री 30 मिनट भी दिया जा सकता है, तो ये भी 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश किस नाम से जानी जाती है, कर्क रेखा के नाम से जानी जाती है। कर्क रेखा राजस्थान के दो ज़िलों से गुजरती है, एक ज़िले का नाम है बांसवाड़ा जबकि दूसरे ज़िले का नाम है डूंगरपुर। बांसवाड़ा और डूंगरपुर ज़िले से गुजरती है। बांसवाड़ा में इसकी लंबाई है लगभग 25 किलोमीटर जबकि डूंगरपुर में इसकी लंबाई है कितनी, 1 किलोमीटर। अब आप इस प्रश्न को पढ़िए, कर्क रेखा किस ज़िले से गुजरती है, 12 नहीं गुजरेगी, धौलपुर से नहीं गुजरेगी, उदयपुर से नहीं गुजरेगी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बांसवाड़ा से गुजरती है। और कर्क रेखा जो है ये, इसको माही नदी दो बार काटती है, कौन सी नदी, माही नदी कर्क रेखा को कितनी बार काटती है, तब हमारा आंसर होगा
दो बार काटती है। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 5 भाई, कर्क रेखा से रिलेटेड। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 6। राजस्थान में अरावली पर्वत की निम्न चोटियों को, यानी आपको अरावली की कुछ चोटियां दी हुई है, उनको ऊंचाई के आधार पर आरोही क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी ये जो चोटियां हैं, इन चोटियों को हम लोगों को आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। कौन से क्रम में लगाना है? बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं तारागढ़ की। तारागढ़ जो कि मध्य अरावली में अजमेर में स्थित चोटी है, और इसकी जो ऊंचाई है वो ऊंचाई है आपके 873 मीटर। वहीं यदि हम लोग अचलगढ़ की बात करें तो ये आपके राजस्थान के सिरोही ज़िले में स्थित है, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 1380 मीटर। फिर यदि हम बात करें रघुनाथगढ़ की, तो रघुनाथगढ़ आपकी राजस्थान के सीकर ज़िले में स्थित है, और इसकी जो ऊंचाई है वो ऊंचाई है 1055 मीटर। और लास्ट बच गई आपकी कमलनाथ, जो कि आपके राजस्थान के उदयपुर ज़िले में स्थित है, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 1001 मीटर। अभी आपकी सारी की सारी चोटियों की ऊंचाई हो गई। अब इसके अनुसार यदि हम बात करें तो सबसे पहले 873 वाली आएगी, 873 मतलब ए नंबर ऑप्शन। फिर कौन आएगी? 1001। 1001 का मतलब कमलनाथ, सी नंबर ऑप्शन। फिर 1055 डी नंबर ऑप्शन। और सबसे लास्ट में आएगी आपकी 1380 मीटर वाली, और उसका ऑप्शन कौन सा है? बी, यानी ए सी डी बी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अब देखो, यहाँ इसकी लंबाई पूछी गई है, हो सकता है कि आगे एग्जाम में आप लोगों से इन चोटियों को देख के इनका जिला पूछ ले, तो इसलिए हमारे लिए एक क्वेश्चन जो है एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बन जाता है, और अरावली की चोटियों से रिलेटेड अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से ज़िलों में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन, वर्ड पे ध्यान देना आप, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन पाए जाते हैं। अब देखो, सबसे पहले यदि हम इन वनों की बात करें तो ये वन आपके मुख्य रूप से अरावली जो पर्वतमाला है, उस अरावली पर्वतमाला के ढालों में पाए जाते हैं। यानी अरावली पर्वतमाला की ढालें कौन सी? उत्तरी और पूर्वी जो ढाल है, उत्तरी और पूर्वी ढाल जो है उस पर ये वन पाए जाते हैं। फिर राजस्थान में कौन कौन से ज़िलों में, क्योंकि हमें ज़िलों में डील किया है तो हमें ज़िलों में आंसर करना है। ज़िलों की यदि हम बात करें तो पूर्वी राजस्थान के 3 ज़िले आपको याद रखने हैं। पूर्वी राजस्थान के 3 ज़िले कौन कौन से? अलवर, भरतपुर और धौलपुर, 3 ज़िले पूर्वी राजस्थान के। उसके बाद आपका दक्षिण पूर्वी राजस्थान का मतलब हड़ौती पूरा आ जाएगा। हड़ौती का मतलब कोटा, बारां, झालावाड़ और बूंदी। अभी हम आंसर करेंगे इस प्रश्न का, तो आप लोग मतलब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होता, आप किस प्रकार से कैसा भी प्रश्न पूछा जाए आपसे, आप आंसर देने में सक्षम होते हैं। उसके बाद इन ज़िलों के अलावा आपके दक्षिणी राजस्थान में यदि हम लोग बात करें तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़, साथ ही साथ उदयपुर, यानी इन ज़िलों में ये वन पाए जाते हैं। फिर यदि बात करें तो दक्षिणी अरावली में सिरोही और मध्यवर्ती अरावली में अजमेर, और इनके साथ सवाई माधोपुर, क्योंकि बूंदी के साथ सवाई माधोपुर जाता है। यानी ये वाले वो क्षेत्र हैं जहाँ पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। अब हम ऑप्शन में देखते हैं, जैसलमेर आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। उदयपुर आप देखिए, ये दक्षिणी राजस्थान का पार्ट। फिर बांसवाड़ा, ये रहा आपका बांसवाड़ा, दक्षिणी राजस्थान का पार्ट। और कोटा, हड़ौती का पार्ट, यानी दक्षिण पूर्वी राजस्थान का पार्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे इस प्रश्न को आप लोग सीधा सा निकाल सकते थे कि जैसलमेर, बाड़मेर और पाली तीनों आपके मरुस्थल वाले ज़िले हैं। फिर बीकानेर, नागौर और चूरू, ये भी मरुस्थल वाले ज़िले हैं। सीकर, झुंझुनू और जालौर, और ये तीनों भी कैसे हैं? मरुस्थल वाले ज़िले। इसका मतलब तीन ऑप्शन एक जैसे हो गए, तो सीधी सी बात है जो इनसे अलग है वही ऑप्शन आपका आंसर होना चाहिए। तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन जो है वो आपके उदयपुर, बांसवाड़ा और कोटा में पाए जाएंगे। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की, और प्रश्न नंबर 8 आपका जनजाति क्षेत्र से रिलेटेड योजनाओं का है। परिवर्तित क्षेत्र
विकास उपागम यानी मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट एजेंसी किस वर्ष प्रारंभ किया गया, यानी ये जो योजना है ये राजस्थान में किस वर्ष प्रारंभ हुई, तब हमारा आंसर होता है 1978-79, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा इस योजना के बारे में जान लेते हैं कि ये जो योजना है, ये योजना वो क्षेत्र जो आपके जनजाति उपक्षेत्र योजना यानी जनजाति उप योजना के जो क्षेत्र है उनमें सम्मिलित नहीं है और जिनकी जनसंख्या 10,000 से ज़्यादा है, यानी जनसंख्या किससे ज़्यादा, जनसंख्या 10,000 से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी 10,000 से ज़्यादा जनसंख्या वाले वह खंड या उपखंड या क्षेत्र जो जनजाति उप योजना क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, यानी TSP क्षेत्र की जो योजनाएं चल रही है उसमें सम्मिलित नहीं है और उनकी जनसंख्या कितनी 10,000 से ज़्यादा है और वहाँ की कम से कम 50% जनसंख्या, 50% जनसंख्या जो है वो ट्राइब्स है यानी ST जनसंख्या है, तो ऐसे ज़िलों के जो खंड हैं उनको इसमें सम्मिलित किया गया है और ये योजना राजस्थान के 18 ज़िलों में चल रही है। तो हो सकता है कि आगे आने वाले एग्जाम में हमसे प्रश्न पूछ ले कि परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम राजस्थान के कितने ज़िलों में संचालित है, तब हमारा आंसर होगा 18 ज़िलों में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका 1978-79 में इस योजना को चालू किया गया और राजस्थान के 18 ज़िलों में चल रही है। आगे बात करते हैं राजस्थान उद्योगों से रिलेटेड प्रश्न है आपका। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स में अवस्थित है, इसका मतलब हमें जगह का नाम बताना है कि ये किस जगह पर स्थित है, तब सीधा सा आंसर होगा डीडवाना, क्योंकि आप जब खारे पानी की झीलें पढ़ते हैं उस समय डीडवाना झील जो आपको करवाई जाती है उसमें आपको करवाया जाता है कि राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स का जो कारखाना है वो कहाँ पर स्थापित है, डीडवाना में स्थापित है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें जो अन्य चीज़ें दे रखी है उसमें यदि हम लोग बात करें तो सांभर में आपका है हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड या सांभर सॉल्ट लिमिटेड ये यहाँ पे नमक उत्पादन का कार्य करता है, जबकि फलोदी जो है ये आपकी जोधपुर में स्थित खारे पानी की झील है। अब यहाँ से आप लोगों को याद रखना है कि फलोदी में एक गांव पड़ता है, गांव का नाम है खिंचन गांव। कौन सा गांव? खिंचन गांव। और ये खिंचन गांव जो है ये कुर्जा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कुर्जा के लिए प्रसिद्ध है। और हाल ही में भारत का पहला कुर्जा से जो है उसके लिए कंजर्वेशन जो रिजर्व घोषित किया गया है वो आपका खिंचन गांव जोधपुर में। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न है आपका नदियों से रिलेटेड यानी राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है उससे रिलेटेड। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जिसमें एक तो आपको मुख्य नदी दे रखी है और साथ ही साथ उसकी सहायक नदी दे रखी है सम्मिलित नहीं है? तो देखिए मुख्य नदी है चंबल और चंबल की सहायक दे रखी है बनास, और हम लोगों को पता है कि चंबल की सबसे लंबी जो सहायक नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी जो है वो कौन सी है? बनास है। इसका मतलब ऑप्शन ए आपका सही सम्मिलित है। फिर बात करते हैं मुख्य नदी बनास और इसकी सहायक नदी दे रखी है गुहिया। ध्यान रखना गुहिया जो है ये लूणी अपवाह तंत्र से रिलेटेड है, यानी लूणी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है बांडी और उस बांडी की जो सहायक नदी है उसका नाम है गुहिया, तो ये आपका गलत हो जाएगा और हमें क्योंकि सही सुमेलित नहीं पहचानना था इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यदि आगे बात करें तो यमुना नदी और यमुना की सहायक कौन है? गंभीरी। और लूणी नदी, लूणी की सहायक कौन है? सागी नदी। तो ये दोनों के दोनों आपके ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो गलत कौन सा है? बनास की सहायक नदी गुहिया नहीं है, गुहिया जो है वो किसकी? लूणी की सहायक नदी, बांडी की सहायक नदी है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 पे, और प्रश्न नंबर 11 आपका जिलों से रिलेटेड या यूँ मान सकते हैं कि बांधों से रिलेटेड। नौ चौकी बांध जिसको हम लोग बोलते हैं नौ चौकी पाल ये कहाँ पे स्थित है? तो हमारा सीधा सा आंसर होगा रासमंद झील जो है उसके किनारे एक पाल बंधी हुई है उसका नाम क्या है? नौ चौकी पाल, और उसी को हम लोग जानते हैं किसके नाम से? नौ चौकी बांध के नाम से। आगे यदि हम बात करें तो आप लोगों से पूछा जा सकता है चित्तौड़ में, तो चित्तौड़ में आप लोगों को याद रखना है गोसुंडा बांध। कौन सा बांध? गोसुंडा बांध। फिर भीलवाड़ा की यदि हम बात करें तो अभी हम लोग पढ़ गए हैं कोठारी नदी पर एक बांध बना हुआ जिसका नाम क्या है? मेजा बांध।
आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ ये जो गोसुंडा बांध बना हुआ है ये कौन सी नदी पर बना हुआ है। फिर उदयपुर जिसको हम जिलों की नगरी के नाम से जानते हैं, जिलों की नगरी के नाम से जाना जाता है क्योंकि राजस्थान की सबसे ज़्यादा मीठे पानी की जिले कहाँ पर स्थित है, तब हमारा आंसर होगा उदयपुर में। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 11। उसके बाद आगे बात करते हैं, ये भी आपका राजस्थान के अपवाह तंत्र से रिलेटेड प्रश्न है और प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती। इसका मतलब राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है इसको हम तीन पार्टों में डिवाइड करते हैं। पहला जो पार्ट है उसको अपन बोलते हैं अरब सागरीय अपवाह तंत्र, दूसरा जो है उसको बोला जाता है बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र, और तीसरा जो है उसको बोला जाता है आंतरिक अपवाह तंत्र। अब आंतरिक अपवाह तंत्र जो है इसमें कौन कौन सी नदियाँ आती है, तो सबसे पहले आपकी आती है मेंथा जो मनोहरपुरा की पहाड़ियों से निकलती है जयपुर से, मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ जयपुर से जिसका उद्गम होता है। उसके बाद घग्गर, उसके बाद रूपनगढ़, उसके बाद कांतली जो कि आपकी खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, खंडेला की पहाड़ियाँ सिक्कर नीम का था ना। कांतली के बाद यदि हम बात करें तो रूपारेल, और रूपारेल नदी आपकी निकलती है उदयनाथ की पहाड़ी से, कौन सी पहाड़ी, उदयनाथ की पहाड़ी, और ये पड़ती है आपकी कहाँ पे, अलवर में। उसके बाद काकनी नदी कोटड़ी की पहाड़ियों से निकलती है जैसलमेर, कौन सी पहाड़ियाँ, कोटड़ी की पहाड़ियाँ, कोटड़ी गांव की जो पहाड़ियाँ वहाँ से निकलती है और बूध झील में जाके ये क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। उसके बाद एक नदी है जिसका नाम है साबी जो सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती है, सेवर की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती है, जयपुर। लेकिन याद रखना सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर जो है वो आपका भरतपुर में स्थित है। उसके बाद एक नदी है जिसका नाम है बाणगंगा जिसको अर्जुन की गंगा के नाम से भी जानते हैं, कहा जाता है कि ये प्राचीन काल में यमुना की सहायक नदी हुआ करती थी लेकिन अब ये अपनी मुख्य नदी यमुना में नहीं जाती है, उससे पहले विलीन हो जाती है, इसलिए इसको रुंडित सरिता के नाम से भी जाना जाता है, इसको ताला नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो वो कौन सी नदी है, बाणगंगा। के बाद आगे यदि हम लोग बात करें तो एक नदी है आपकी खंडेला जो कि सांभर झील में अपना जल लेके जाती है, और ये खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से निकलती है, और एक नदी है जिसका नाम है खारी। ध्यान रखना खारी नदी जो है ये मुख्य रूप से सहायक नदी है बनास की, क्योंकि बनास, डाई और खारी ये तीनों मिलके क्या बनाती है, त्रिवेणी संगम। तो यदि हम लोगों से प्रश्न अपवाह तंत्र से रिलेटेड पूछे और खारी के लिए दोनों ऑप्शन में हो तो हम लोग बनास अपवाह तंत्र यानी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र से मानेंगे खारी को, इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये आपकी होगी कौन सी, राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। अब देखो कांतली ये रहा आपका ऑप्शन में, घग्गर यह रहा आपका ऑप्शन में, काकनी जो कि राजस्थान की अंत्य प्रवाह की सबसे छोटी नदी है, वैसे भारत की सबसे बड़ी अंत्य प्रवाह की नदी कौन सी है, घग्गर, यानी ये भारत की सबसे बड़ी अंत्य प्रवाह की नदी है। लेकिन राजस्थान से निकलने वाली अंत्य प्रवाह की राजस्थान की सबसे लंबी नदी है कौन सी, कांतली जो खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सागी नदी जो है वो इसकी आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ सागी जो है वो किसकी सहायक नदी है, देखते हैं कमेंट बॉक्स में कितने लोग आंसर करते हैं और कितना तुम लोगों ने टॉपिक जो है उसको डीप में पढ़ रखा है। अब सर आंतरिक प्रवाह की नदियों को याद कैसे रखा जाए, तो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ इसका मतलब उनमें जल कम है, तो मैंने पूछा कि भाई इनमें जल कम क्यों है, तो आप लोगों ने आंसर किया कि सर राजस्थान में मेघ रुक रुक के बरसते हैं, रुक यानी मेघ जो है राजस्थान में रुका रुका सा बरखा। यदि ये लाइन आपको याद रहती है तो आपकी आंतरिक प्रवाह की सारी नदियाँ आ गई। मे का मतलब मेंथा, घे का मतलब घग्गर, रू का मतलब रूपनगढ़, के का मतलब कांतली, रू का मतलब रूपारेल, के का मतलब कौन, मेघ रुका रुका, का मतलब हो जाएगा काकनी, सा का मतलब साबी, बे का मतलब बाणगंगा, और खा से आप खंडेला और खारी याद रख सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलर खारी यदि दोनों अपवाह क्षेत्र ऑप्शन में आ जाए
तो वो आपकी बंगाल की खाड़ी या पौष्यत्र की नदी होगी। रेडी, अब उसके बाद आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 पे। प्रश्न नंबर 13 है, अमागढ़ लेपर्ड रिजर्व कौन से ज़िले में स्थित है? यानी हम लोगों को ये बताना है कि अमागढ़ लेपर्ड रिजर्व यानी जो कि लेपर्ड सफारी के लिए प्रसिद्ध है, ये कौन से ज़िले में स्थित है? तब हम लोगों का आंसर होगा जयपुर। याद रखना, जयपुर भारत का एकमात्र ऐसा ज़िला है जहाँ पे दो लेपर्ड सफारी चल रही है। एक तो चल रही है कहाँ पे? जालाना में, और जालाना में जो प्रारंभ की गई थी वो की गई थी दिसंबर 2016 में, जबकि अमागढ़ जो है, अमागढ़ में जो लेपर्ड सफारी की शुरुआत हुई है वो हुई है आपकी 22 मई 2022 को। 22 मई 2022 को कहाँ पे शुरुआत हुई? अमागढ़ में। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, हाल ही में 5 जून 2023 को, 5 जून 2023 को राजस्थान में एक और लेपर्ड सफारी की शुरुआत हुई है, वो लेपर्ड सफारी की शुरुआत कहाँ पर हुई है? देखते हैं कितने लोगों ने करंट अफेयर का पिछला वीडियो देखा है। जिन लोगों ने करंट अफेयर का पिछला वीडियो देखा है उनकी ये चीज़ें क्लियर होगी। क्यों? क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बात की थी आप लोगों से कि 5 जून के दिन राजस्थान में एक लेपर्ड सफारी की शुरुआत की गई थी, और उससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि 22 मई 2023 को राजस्थान में दो स्थानों पर जंगल सफारी की शुरुआत हुई थी। एक तो हुई थी जैसमंद, जो कि कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। और दूसरी आपकी हुई थी बीड़ के जंगल, जो कि कहाँ पड़ते हैं? झुंझुनू। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करो कि राजस्थान की तीसरी लेपर्ड सफारी कहाँ पर चालू हुई है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किसे वागड़ टूरिस्ट सर्किट में शामिल किया गया है? यानी ऐसा क्षेत्र बताना है जो वागड़ टूरिस्ट सर्किट में शामिल है। यानी राजस्थान में टोटल 10 पर्यटन सर्किट है, उनमें से एक पर्यटन सर्किट है जिसका नाम है वागड़। उसका नाम क्या है? वागड़। वागड़ का मतलब आपको ध्यान रखना है बांसवाड़ा और डूंगरपुर से रिलेटेड। बांसवाड़ा और डूंगरपुर से रिलेटेड जितने भी आपके पर्यटन महत्व के स्थल हैं वो इसमें आते हैं। तो अब बांसवाड़ा और डूंगरपुर से रिलेटेड आपका मंदिर कौन सा है? तब हमारा आंसर होगा घोटिया अम्बा मंदिर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की, और प्रश्न नंबर 15 है आपका पशु संपदा से रिलेटेड। यानी निम्न में से कौन सी एक भेड़ की नस्ल है? यानी हम लोगों को भेड़ की नस्ल जो है उसका आंसर करना है। बात करते हैं सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए, गिर। गिर जो कि गाय की नस्ल है और ये मध्यवर्ती राजस्थान में पाई जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं रेंडा या अजमेरा, रेंडा या अजमेरा के नाम से भी जाना जाता है इसको। उसके बाद यदि हम बात करें जमुनापरी, जमुनापरी आपकी बकरी की नस्ल है, जो आपका पूर्वी राजस्थान है उसमें जो बकरी की नस्ल पाई जाती है उसको हम बोलते हैं जमुनापरी। फिर यदि बात करें मालवी, मालवी जो है ये आपकी गाय की नस्ल है, और राजस्थान का जो मालवा से लगता हुआ क्षेत्र है यानी हड़ौती वाला क्षेत्र, उसमें ये गाय की नस्ल पाई जाती है। लास्ट ऑप्शन बच गया आपका पुगल, और पुगल जो है वो किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से 360 डिग्री पे आपके सारे क्वेश्चन जो है उसका एनालिसिस किया जा रहा है। इससे क्या होगा कि आपको ऑप्शन से रिलेटेड भी यदि कोई प्रश्न बनता है तब भी वो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। प्रश्न नंबर 16 की हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से राजस्थान में जायद की फसल का, जायद की जो फसल है उसकी अवधि कौन सी है? यानी राजस्थान में मुख्य रूप से तीन प्रकार की फसलें ली जाती है। एक तो ली जाती है आपकी खरीफ की फसल, और दूसरी ली जाती है आपकी कौन सी? रबी की फसल, और तीसरी आपकी ली जाती है कौन सी? जायद की फसल। अब देखो खरीफ की फसल यानी मानसून के बाद हम जो वर्षा, मानसूनी जो वर्षा होती है उस वर्षा पे जो फसलें बोई जाती है उनको अपन क्या बोलते हैं? खरीफ की फसल। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो हमारा आंसर होगा खरीफ की फसल। लेकिन यदि बात की जाए रबी की फसल जो कि मैक्सिमम सिंचाई पर आधारित होती है, तो राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन कौन सी फसल से होता है? तब हमारा आंसर होगा रबी की फसल से। खरीफ की फसल ये आपका मानसून आने के बाद लगभग जुलाई में, जुलाई अगस्त माह में इसको बो देते हैं, और उसके बाद इसको अक्टूबर नवंबर में काट लेते हैं। रबी की फसल जो है ये आपकी नवंबर में हम बोते हैं और फरवरी मिड तक आते आते इसको काट लेते हैं। लेकिन जायद की जो फसल है, जायद की फसल आपकी
मार्च से लगा के और जून माह तक बोई जाती है। हम लोगों से यही पूछा गया था कि जायद की फसल, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मार्च से लगा के जून महीने तक। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, और क्वेश्चन नंबर 17 है आपका जनसंख्या से रिलेटेड। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का वह ज़िला जहाँ न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, यानी हमें राजस्थान का वो ज़िला बताना है जहाँ का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। सीधी सी बात है, इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो हमारा आंसर होगा 17। जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व कितना, 17। अब यहाँ से आप लोगों से और क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न हम लोगों से पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला ज़िला कौन सा है, तब हमारा आंसर होगा जयपुर, और जयपुर का जनसंख्या घनत्व है 595। दूसरा नंबर आता है किसका, भरतपुर का, और भरतपुर का जो जनसंख्या घनत्व है वो आपका है 503। वहीं यदि बात करें जैसलमेर की, तो जैसलमेर का 17 है और ये भारत के एक राज्य के बराबर है। आपको कमेंट बॉक्स में उस राज्य का नाम बताना है कि जैसलमेर का जनघनत्व 17 भारत के किस राज्य के जनघनत्व के बराबर है। फिर बाड़मेर की यदि हम बात करें, तो बाड़मेर का जो आपका जनघनत्व है वो आपका है 92, लेकिन बीकानेर का जो जनघनत्व है वो है आपका कितना, 78। अच्छा, ये मैंने क्यों लिखे, ये लिखने के पीछे कारण है। पहला कारण तो ये है कि सीधा सा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में ऐसे कितने ज़िले हैं जिनका जनघनत्व 500 प्लस है, यानी 500 से अधिक है, तब हमारा आंसर होगा 2। और यदि आप लोगों से पूछा जाए कि 100 से कम, यानी 100 से कम जनघनत्व वाले कितने ज़िले हैं, तब हमारा आंसर होगा 3। वहीं यदि हम लोगों से प्रश्न पूछा जाए कि 400 प्लस जनघनत्व वाले कितने ज़िले हैं, तब हमारा आंसर होगा 4। ये 4 ज़िले कौन कौन से हैं, जयपुर, जयपुर के अलावा भरतपुर हो गया, उसके बाद दौसा, दौसा के बाद धौलपुर। ये ऐसे ज़िले हैं जिनका जनघनत्व 400 प्लस है। 100 से कम वाले 3 ज़िले ये आपके सामने, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। याद करने के लिए, सर्वाधिक जनघनत्व वाले ज़िले याद करने हैं, तो आप लोग याद रखो कि जब भी दो व्यक्ति एक जगह पर एडजस्ट किए जाएं, इसका मतलब जनघनत्व ज़्यादा है, यानी जयपुर, जयपुर के बाद भरतपुर, दौसा, अलवर और धौलपुर। फिर न्यूनतम जनघनत्व को कैसे याद करें, तो जैसे आप लोगों की पढ़ाई का जो घनत्व है उसको देख के किसी ने कहा कि यार ऐसे तो कैसे ही पार पड़ेगा, तो आप लोगों ने उसको आंसर किया कि जैसे भी बांचूं, जैसे भी बांचूं, अपने मारवाड़ी में बोलते हैं पढ़ने को बांचूं बोलते हैं, कि जैसे भी बांचूं यानी जैसे भी पढ़ूं जॉब तो लग ही जाएगी, जॉब तो लग ही जाएगी। जैसे का मतलब जैसलमेर, बी का मतलब बीकानेर, बा का मतलब बाड़मेर, चू का मतलब चूरू और जो का मतलब जोधपुर। ये आपके न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 ज़िले, ये आपके अधिकतम जनघनत्व वाले 5 ज़िले। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र, फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये आपका जोहड़ बीड़ में स्थित है, कहाँ पर स्थित है, जोहड़ बीड़, और जोहड़ बीड़ कहाँ पड़ता है, बीकानेर में पड़ता है। ये लो जी, ये हो गया आपका जोहड़ बीड़ बीकानेर। अब यदि हम लोग बात करें तो जोधपुर ज़िला, जोधपुर ज़िले में दो महत्वपूर्ण संस्थान जो ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा संचालित है, एक का नाम है काजरी और एक का नाम है आफरी। इन दोनों का मुख्यालय कहाँ है, तब हम लोगों का आंसर होगा क्या, जोधपुर। क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि काजरी का मुख्यालय कहाँ है, आफरी का मुख्यालय कहाँ है, तब हमारा आंसर क्या होगा, जोधपुर। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की, और प्रश्न नंबर 19 है आपका राजस्थान का कल्प वृक्ष किसको कहा जाता है, राजस्थान का कल्प वृक्ष किसको कहा जाता है। अब हम देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन है महुआ, ध्यान रखना महुआ को कहा जाता है आदिवासियों का कल्प वृक्ष, आदिवासियों का कल्प वृक्ष, आदिवासियों का कल्प वृक्ष। ये जो वृक्ष है इसका वैज्ञानिक नाम है मधुका लोंगीफिलिया, लोंगीफिलिया। उसके बाद बांस जो है, बांस को कहा जाता है आदिवासियों का हरा सोना, आदिवासियों का हरा सोना किसको कहा जाता है, तब हमारा आंसर होगा बांस को। और बांस जो है इसको वनों की श्रेणी में नहीं लेके बांस को सबसे लंबी घास का दर्जा दिया जाता है। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे लंबी घास कौन सी है, तब भी हमारा आंसर क्या होगा, बांस। उसके बाद यदि हम बात करें सागवान की, तो
सागवान के वृक्ष सबसे ज़्यादा राजस्थान के दक्षिणी भाग में। यदि हमें क्षेत्र पूछे तो कौन सा, दक्षिणी क्षेत्र, और ज़िले यदि पूछे तो कौन कौन से, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में पाए जाते हैं, डूंगरपुर में पाया जाता है। लास्ट बच गया आपका खेजड़ी। खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष बोल दो, चाहे कल्प तरु बोल दो, ये किसको कहा जाता है, खेजड़ी को कहा जाता है। ध्यान रखना, खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है प्रोसेपिस सिंद्रेरिया, सिंद्रेरिया। ये किसका वैज्ञानिक नाम है, तो ये हमारा आंसर होगा खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है। ये थे आपके, एक प्रश्न था, उस प्रश्न के जो चारों ऑप्शन थे, उन चारों ऑप्शनों का हमने पूरा डिटेल देखा कि किस प्रकार से हमें, चाहे किसी प्रकार से प्रश्न पूछ ले, हमारा प्रश्न मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आगे बात करते हैं, निम्नांकित में से कौन सा विकल्प बेराट से संबंधित नहीं है। बेराट का मतलब वही आपकी बेराट सभ्यता, जिसका उत्खनन कार्य तीन व्यक्तियों ने मिलकर किया था। किस किस ने, पहले व्यक्ति का नाम है दयाराम सानी, दूसरे व्यक्ति का नाम है नील रत्न बनर्जी, और तीसरे जो व्यक्ति है उनका नाम है कैलाशनाथ दीक्षित। आप लोग सीधा सीधा यूँ याद कर सकते हो कि बेराट में जो दया रहती है उसके पास एक नीले रंग का कलश है, तो इससे आपको याद हो जाएगा बेराट सभ्यता, उत्खनन किसने किया, दयाराम सानी, नीलरत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित। अब देखो, बेराट सभ्यता से रिलेटेड कुछ पहाड़ियों के नाम दे रखे हैं, तो एक तो है महादेव डूंगरी, दूसरी है बीजक डूंगरी और तीसरी है भीम डूंगरी। ये तीनों की तीनों आपकी बेराट से रिलेटेड है, जहाँ पे बौद्ध धर्म के अवशेष मिले। इरावजी की डूंगरी जो है इसका संबंध बेराट से नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, राजस्थान के मरुस्थल से रिलेटेड, और उसमें भी बालुका स्तूप से रिलेटेड, कि राजस्थान में जो बालुका स्तूप है उनसे रिलेटेड आप लोगों से प्रश्न पूछा गया है। बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यानी हमें बरखान के क्षेत्र बताने हैं। बरखान के क्षेत्रों में यदि हम बात करें, पहला ऑप्शन है ओशिया जोधपुर, दूसरा है भालेरी चूरू, तीसरा है देशनोक बीकानेर, और चौथा है दांतारामगढ़ सीकर। तो ये दांतारामगढ़ सीकर में नहीं पाया जाता है, इसका मतलब डी ऑप्शन कैंसिल हो गया, यानी डी जहाँ जहाँ आ रहा है उनको तीनों को कैंसिल कर दो, डी, तीनों जगह कैंसिल हो गई, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर बचा। इसका मतलब बरखान जो है वो राजस्थान के कहाँ, ओशिया जोधपुर, देशनोक बीकानेर, भालेरी चूरू, साथ ही साथ जो हमारा पोखरण वाला क्षेत्र है जैसलमेर का, वहाँ पर भी किस प्रकार के बरखान टाइप के बालुका स्तूप पाए जाते हैं। तो ये था भाई आपका प्रश्न नंबर 21। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की, और प्रश्न नंबर 22 है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में दक्षिण पश्चिमी मानसून सामान्यतः 1 जुलाई से पूर्व आ जाता है। अब देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको राजस्थान का मैप पता होना चाहिए। तो राजस्थान के मैप की यदि हम लोग बात करें तो ये आपका राजस्थान का मैप हो जाएगा, और राजस्थान के मैप में यदि हम बात करें तो हमसे की गई है दक्षिण पश्चिम मानसून की बात, कि दक्षिण पश्चिम जो मानसून है वो राजस्थान के किस ज़िले में सबसे पहले आता है। तो ये देखिए, यदि आप लोगों को मैप पे जिले याद है तो भी आप लोग आंसर कर सकते हैं। पहले देखो गंगानगर की लोकेशन, गंगानगर राजस्थान का सबसे उत्तरी ज़िला, फिर बीकानेर, ये गंगानगर के पास हो गया कौन, बीकानेर, उसके बाद पाली, ये आपका लगभग यहाँ पर हो जाएगा पाली, ये आपकी अरावली पर्वतमाला, फिर हनुमानगढ़, ये गंगानगर के पास हो गया हनुमानगढ़। अब देखो, दक्षिण पश्चिमी मानसून है, इसका मतलब मानसून जो आएगा वो इस दिशा से आएगा, तो हम सीधा सा हमें ये बताना है कि सबसे पहले कहाँ पहुँचेगा। तो ये जो चारों ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शनों में सबसे पहले कहाँ पहुँचेगा, तब हमारा आंसर होगा पाली, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, और क्वेश्चन नंबर 23 आपका नदियों से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कि एक नदी के बारे में आपको कुछ तथ्य दिए हैं, यानी आरपीएससी किस हद तक प्रश्न पूछ सकती है आप लोग देख सकते हैं। अब उस नदी के बारे में तथ्य क्या है, ये कोटड़ा उदयपुर से उद्गमित होती है, यानी पहला तो ये है कि भाई इस नदी का जो उद्गम है वो कोटड़ा उदयपुर से होता है,
फिर हतमती, मेशवा, वेतरक, इसकी सहायक नदियाँ, यानी इसकी सहायक नदियों के नाम दे रखे हैं, हतमती, मेशवा, वेतरक। फिर ये नदी राजस्थान में लगभग कितने किलोमीटर, 45 किलोमीटर प्रवाहित होती। अब आप ऑप्शन देखो, माही नदी राजस्थान में 171 किलोमीटर प्रवाहित होती है, पश्चिम बनास नदी नया सनवाड़ा की पहाड़ियाँ सिरोही से, और जाकम नदी छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से उद्गमित होती है, और इसके ऊपर राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाकम बांध बना हुआ है 81 मीटर का। इसका मतलब ये तीनों ही ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, साबरमती। साबरमती नदी जो है ये लगभग 416 किलोमीटर लंबी है, इसका मात्र और मात्र कितना परसेंट, 10% राजस्थान में, यानी राजस्थान में लगभग कितने किलोमीटर बहती है, 45 किलोमीटर बहती है, और अंत में जाके ये खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। अब इसका प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि राजस्थान की वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम तो राजस्थान से होता है लेकिन वो मुख्य नदी किसकी है, गुजरात की, तब हमारा आंसर होता है साबरमती नदी। इस नदी के किनारे साबरमती आश्रम स्थित है, आपका अहमदाबाद शहर स्थित है, गुजरात की राजधानी जो है गांधीनगर वो भी इसके किनारे स्थित है, तो आप लोगों से साबरमती से रिलेटेड खूब सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, वेतरक, फिर एक सहायक नदी है जिसका नाम है सही, उसके बाद हतमती, उसके बाद वाकल, उसके बाद मेशवा, माजम, ये सारी की सारी क्या है, इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो साबरमती की सहायक नदियों को हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, कि वैसे आजकल साबरमती जो है वो हवा में उड़ रही है, वो कहाँ उड़ रही है, हवा में उड़ रही है, क्यों, क्योंकि वो कहाँ तक जाती है, गुजरात तक जाती है। तो हम लोग सीधा से याद रखेंगे कि वैसे साबरमती जो है आजकल कहाँ उड़ रही है, हवा में उड़ रही है, क्यों, क्योंकि वो कहाँ तक जाती है, गुजरात तक जाती है। यदि आपको ये लाइन याद है तो आप देखो, वे का मतलब वेतरक, से का मतलब सही, हे का मतलब हतमती, वा का मतलब वाकल, एम आपका दो बार आया, इसका मतलब मेशवा और माजम, ये सारी की सारी आपकी क्या हो गई, साबरमती की सहायक नदियाँ हो गई। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि साबरमती के अलावा खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदी और कौन सी है जो राजस्थान की। आगे बात करते हैं, राजस्थान के किन जिलों में मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं, यानी हम लोगों को आंसर करना है कि राजस्थान के वे कौन से ज़िले हैं जहाँ पर मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं। आप लोग कमेंट सीधा सा ऑप्शन देख के पहचान जाएंगे, मिश्रित पतझड़ वन पूछे हैं, सेम वही जिले होंगे जो पहले प्रश्न पूछा गया था, वैसा का वैसा ही प्रश्न पूछा गया है। यानी पहले प्रश्न में हम लोगों ने क्या देखा था कि पूर्वी राजस्थान में अलवर, भरतपुर और धौलपुर, इसके अलावा सवाई माधोपुर, फिर हमने बात की थी हड़ौती पूरा का पूरा यानी कोटा, बारां, झालावाड़ और बूंदी, फिर हमने की थी दक्षिणी राजस्थान की बात जिसमें हमने देखा था बांसवाड़ा भी आ रहा है, डूंगरपुर भी आ रहा है, उदयपुर भी आ रहा है, साथ ही साथ चित्तौड़ भी आ रहा है, और फिर हमने बात की थी दक्षिणी अरावली का सिरोही और मध्यवर्ती अरावली का अजमेर। ये थे आपके किसके, मिश्रित पतझड़ वन या शुष्क जो पतझड़ वन है उनके। अब देखो ऑप्शन में देखो, नागौर कहीं आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, चूरू कहीं आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, जालौर कहीं आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। यानी कई बार हम चारों ऑप्शन ढंग से पढ़ के भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, तो उदयपुर, कोटा, बूंदी और चित्तौड़, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर को चुनिए, यानी एक तरफ आपको फसल का नाम दे रखा है और दूसरी तरफ इसका प्रमुख उत्पादक जिला दे रखा है। फसल है आपकी गेहूँ, और गेहूँ का सर्वाधिक उत्पादन होता है गंगानगर में। फिर आपके सामने है फसल का नाम बाजरा, और बाजरे का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है वो होता है अलवर में, और बाजरा तो हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यूनेस्को के द्वारा वर्ष 2023 को बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाल ही में भारत सरकार ने मोटे अनाज के लिए एक वर्ड यूज़ किया है, अन्न करके ऐसा कोई वर्ड है, वो कौन सा वर्ड है, यानी। और दूसरा आप लोगों को आंसर करना है कि बाजरा उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थित है, उत्कृष्टता केंद्र राजस्थान में कहाँ स्थित है।
फिर चावल की यदि हम लोग बात करें तो चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है बूंदी में। हम लोगों ने देखा भी था कि बूंदी का रायता किसके साथ खाया जाता है, चावल के साथ खाया जाता है। और मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है कहाँ पे, भीलवाड़ा में। अब देखो ए नंबर जो ऑप्शन है वो आपका 3 से सुमेलित है, फिर बी ऑप्शन 1 से सुमेलित है, सी ऑप्शन 4 से सुमेलित है और डी ऑप्शन 2 से सुमेलित है, यानी 3-1-4-2, 3-1-4-2 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। आगे बात करते हैं, ये आपका पशु गणना से रिलेटेड है। 19वीं पशुधन गणना 2012 से 20वीं पशुधन गणना 2019 में राजस्थान में पशुधन की कुल संख्या में क्या परिवर्तन रहा है, यानी कमी हुई है या वृद्धि हुई है। तो याद रखना कि इसमें हुई है कमी, और वो कमी हुई है कितनी, 1.66% की। यदि आप लोगों को पशु गणना देखनी है तो पशु गणना से रिलेटेड मैंने पूरा वीडियो डाल रखा है, पशु गणना के जो लेटेस्ट आंकड़े हैं वो पूरे के पूरे आपको एक वीडियो में मिल जाएंगे। आप राजस्थान ज्योग्राफी की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके और नवीनतम पशु गणना के आंकड़े देख सकते हैं, इसमें कमी हुई है कितनी, 1.66%। आगे बात करते हैं आपका जनगणना से रिलेटेड प्रश्न। अब आपके लिए 4 प्रश्न और बचे हैं, यानी टोटल 30 प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो यदि आप लोगों को ये सीरीज पसंद आती है तो हो सकता है उसमें अपन कुछ प्रश्न बढ़ा भी सकते हैं, कुछ प्रश्न कम भी कर सकते हैं, तो जैसा आपको सुटेबल लगे आप लोग बताइए। यदि प्रश्न बढ़ाने हैं तो अपन प्रश्न बढ़ा लेंगे, और यदि प्रश्नों की संख्या कम करनी है तो अपन वो भी कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है, यानी हमसे सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात पूछा है। तो सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है आपका पाली जिले का, और पाली जिले का जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो आपका कितना है, तब हम लोगों का आंसर होगा 1003, यानी राजस्थान में ग्रामीण लिंगानुपात में 1000 से अधिक लिंगानुपात वाला मात्र एक जिला है, और उस जिले का नाम क्या है, पाली। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय लिंगानुपात कहाँ का है। तब तक हम थोड़ी सी लिंगानुपात से रिलेटेड फैक्ट जो आपको बार बार एग्जाम में परेशान करते हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको लिंगानुपात 2 प्रकार से पूछा जाता है, एक तो आपको पूछा जाता है नॉर्मल लिंगानुपात, और दूसरा आप लोगों से पूछा जाता है बाल लिंगानुपात। यदि हम नॉर्मल लिंगानुपात की बात करें तो राजस्थान का 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात है 928, और बाल लिंगानुपात जो राजस्थान का है वो है 888। फिर ये 2 प्रकार से पूछा जाता है, एक तो पूछा जाता है आपको शहरी, और एक पूछा जाता है आपसे क्या, ग्रामीण। एक पूछा जाता है शहरी, एक पूछा जाता है ग्रामीण। देखो शहरी का यदि पूछे तो आप सीधा सा 14 माइनस कर देंगे, यानी -14, यानी कितना आ जाएगा 914। इधर भी आप क्या करेंगे, 14 माइनस कर देंगे, यानी 14 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 874। आप देखो आंकड़ों को किस प्रकार से इजी वे में याद कर सकते हो। फिर उसके बाद यदि ग्रामीण की बात करें तो देखो शहरी जो लोग होते हैं उसमें बड़ों और बच्चों में कोई डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए शहरी चाहे आपको बड़ों का पूछे चाहे बच्चों का पूछे, हमने क्या किया, 14 माइनस किए। लेकिन गाँव में क्या होता है, बड़ों और बच्चों में डिफरेंस होता है, यानी बड़ों बड़े जो है उनको तवज्जो ज़्यादा दी जाती है। आप लोग इस चीज़ को अन्यथा ना लें, ये बस केवल और केवल आप लोगों को समझाने के पर्पस से। तो बड़ों को तवज्जो ज़्यादा दी जाती है, इसका मतलब +5, यानी 933, जबकि छोटों को तवज्जो कम दी जाती है, इसका मतलब इनको 5 दी तो इनको कितनी देंगे, 4, यानी +4, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 892। ये आप बहुत ही सरल भाषा में इसको याद कर सकते हो। यदि आपको लिंगानुपात पूछे गाँव का या शहरों का, अब लिंगानुपात या बाल लिंगानुपात, तो यदि राजस्थान के लिंगानुपात की बात करें तो 928, बाल लिंगानुपात 888। अब शहरी लिंगानुपात पूछे चाहे शहरी बाल लिंगानुपात पूछे, जो राजस्थान का है उसमें से 14 माइनस कर दो, ये कर दिया आपने 14 माइनस, 14 माइनस करते ही शहरी कितना गया 914 और बाल लिंगानुपात कितना गया 874। अब यदि हम लोगों से बात की जाए कि ग्रामीण, तो ग्रामीण में आपको क्या करना है कि राजस्थान के लिंगानुपात में 5 जोड़ देना, जबकि बाल में क्या करना है, बाल छोटे होते हैं इसका मतलब +4, तो ये हो जाएगा कितना, 888 में +4 करेंगे 892। तो इस प्रकार से आप लोग इसको बहुत इजीली याद कर सकते हैं। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की, 2001 से लगा के 11 के दशक के दौरान राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों का सही युग्म पहचानो।
यानी राजस्थान के उन जिलों का युग्म बताना है जहाँ की वृद्धि दर न्यूनतम रही, तो हमारा आंसर होगा गंगानगर और झुंझुनू, गंगानगर और झुंझुनू। जबकि सबसे ज़्यादा वृद्धि दर कहाँ की रही, तब हमारा आंसर होगा बाड़मेर। गंगानगर की जो वृद्धि दर थी वो थी लगभग आपकी 10%, जबकि बाड़मेर की जो वृद्धि दर थी वो थी 32.5%। तो सर्वाधिक वृद्धि दर बाड़मेर, न्यूनतम वृद्धि दर गंगानगर। अब इसके टॉप चार जिले कि भाई सर्वाधिक वृद्धि दर वाले चार जिले कौन कौन से, तो बाड़मेर, जैसलमेर, उसके बाद जोधपुर और उसके बाद बांसवाड़ा। ये चीज़ें आप लोग ट्रिक से यदि याद करना चाहें तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो जनसंख्या टॉपिक आपको बेहद ही सरल ट्रिक की सहायता से कि किस प्रकार से आप हर एक में चार चार पाँच पाँच जिले याद कर सकते हैं समझा दिए जाएंगे। फिर न्यूनतम वाले गंगानगर, झुंझुनू, पाली और बूंदी, ये आपके चार होंगे जिले जो कौन से होंगे, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले होंगे। आगे बात करते हैं, पर्यटन से रिलेटेड प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी एक तरफ आपको पर्यटन केंद्र दे रखा है और दूसरी तरफ उसकी स्थिति दे रखी है। तो यदि हम बात करें तो घाघरौन का किला जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है वो झालावाड़ में स्थित है, पहला ऑप्शन सही सुमेलित है। फिर कपिल सरोवर जो कि कहाँ पर स्थित है, कोलायत में, कोलायत कहाँ पड़ता है, बीकानेर में। भाई कपिल मुनि की तपोस्थली कोलायत झील, इसी को कपिल सरोवर के नाम से जाना जाता है। फिर दौलतबाग जिसको वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है, ये आपका कहाँ पर स्थित है, अजमेर में। आप लोग कमेंट करके बताओ कि दौलतबाग का निर्माण किसने करवाया था। फिर लालगढ़ का किला, लालगढ़ का किला जो है वो आपका बीकानेर में स्थित है, जैसलमेर में स्थित नहीं है। जैसलमेर में जो दुर्ग स्थित है उसका नाम है सोनार दुर्ग, सोनार दुर्ग। जैसलमेर के दुर्ग को किसके नाम से जाना जाता है, सोनार दुर्ग के नाम से जाना जाता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी दुर्ग। यदि आप लोगों से स्वर्णगिरी पूछे, स्वर्णगिरी, तब आपका आंसर जालौर होगा, लेकिन स्वर्णगिरी पूछे तो आंसर क्या होगा, जैसलमेर। और आज का आपका लास्ट प्रश्न, उसके बाद दो प्रश्नों के आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर करने, वो प्रश्न भी आप लोगों के लिए आएंगे। लास्ट प्रश्न है, ये आपका उद्योग से रिलेटेड है, निम्नलिखित में से कौन सी सीमेंट फैक्ट्री चित्तौड़गढ़ जिले में अवस्थित नहीं है, यानी हमें उस फैक्ट्री का नाम बताना है जो आपकी चित्तौड़ जिले में स्थित नहीं है। आपके सामने चार फैक्ट्रियों के नाम दिए हुए हैं, उनमें से यदि हम बात करें सबसे पहले बिड़ला सीमेंट वर्क्स लिमिटेड, ये आपकी चित्तौड़ में स्थित है। अब देखो बिड़ला नाम आपको बड़ा कन्फ्यूज करेगा, यदि आप लोगों को बिड़ला वाइट का पूछे तो ये तो आपकी स्थित होगी गोटन नागौर में। बिड़ला वाइट कहाँ स्थित होगी, गोटन नागौर में। लेकिन यदि आप लोगों से पूछा जाए कि बिड़ला मंगलम सीमेंट वर्क्स कहाँ स्थित है, तब हम लोगों का आंसर होगा मोडेक कोटा में। ये कहाँ पर स्थित है, मोडेक कोटा में। तो बिड़ला नाम से आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना, यदि बिड़ला वाइट पूछे तो गोटन नागौर कर देना, और यदि आप लोगों से बिड़ला मंगलम पूछे तो आप क्या करोगे, मोडेक कोटा। फिर जेके सीमेंट जो कि आपकी निम्बाहेड़ा में स्थित है, निम्बाहेड़ा चित्तौड़, तो ये भी आपकी चित्तौड़ में स्थित है। फिर आदित्य सीमेंट वर्क्स, ये आपकी शंभूपुरा, शंभूपुरा चित्तौड़ में स्थित है, शंभूपुरा चित्तौड़ में स्थित है। साथ ही साथ यहाँ शंभूपुरा चित्तौड़ जो है वहाँ पे अल्ट्राटेक, इसका भी एक कारखाना है। फिर निम्बाहेड़ा की यदि हम बात करें तो यहाँ लाफार्ज का कारखाना है, लाफार्ज। और लास्ट बच गया आपका हिंदुस्तान सीमेंट लिमिटेड, हिंदुस्तान सीमेंट लिमिटेड कहाँ स्थित है, उदयपुर में। और हमें यही बताना था कि कौन सा चित्तौड़ में नहीं है, तो पहली तीन आपकी चित्तौड़ में है, ऑप्शन नंबर चार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये चित्तौड़ में नहीं है, ये कहाँ पे, उदयपुर में, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका सेशन था आज का राजस्थान ज्योग्राफी से रिलेटेड प्रश्नों का, कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही साथ यदि आप लोगों को ये अच्छा लगा है तो आप इसको अपने अन्य दोस्तों तक भी शेयर कीजिए ताकि आपके अन्य दोस्त भी इससे लाभान्वित हो सके। और आप लोग वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक भी कीजिए ताकि आपको इसी प्रकार के और अन्य वीडियो मिल सके। अब आप लोगों के लिए दो प्रश्न लेके आया हूँ मैं, पहला प्रश्न यह है कि उड़िया का पठार किस जिले में स्थित है, उड़िया का पठार किस जिले में स्थित है,
ये आपके चार ऑप्शन हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गाय की नस्ल नहीं है, यानी आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एक गाय की नस्ल नहीं है। तो इन दोनों प्रश्नों के आंसर आप लोग कीजिए कमेंट बॉक्स में। फिर मिलते हैं हम एक नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ और एग्ज़ाम ओरिएंटेड सामग्री के साथ। धन्यवाद।